नमस्कार दोस्तों, आज थोड़ी सी मुस्कान लिए हुए आपके सामने क्या हाजिर है? प्रॉन मलाई करी, और जिसके लिए नारियल का दूध चाहिए। नारियल के दूध के लिए पहले नारियल को कीस लेंगे। करीब एक कटोरी किसा हुआ नारियल। अब नारियल को जार में लेके पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे उसमें, अच्छी तरह से किस जाए। ये देखिए, अब इसको छानकर दूध निकाल लेंगे। अच्छी तरह से निचोड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो नारियल का जो किसा हुआ है वो भी काम आएगा। उसको अलग कटोरी में रख देंगे। बस। अब देखिए, प्रॉन को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। अच्छी तरह से साफ करके 3-4 बार करके उसको धो लेंगे। अब इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस अब सरसों का तेल डाल देंगे कढ़ाई में। सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है नॉनवेज के, जो भी रेसिपी आपका है सरसों का तेल में बहुत टेस्टी बनता है। ये गया प्रॉन, देखिए कैसे गोल गोल, और ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो एकदम रबड़ जैसा हो जाएगा। इसको हल्का फ्राई करके ही निकाल लेना है। बहुत यमी लगता है। प्रॉन तो ऐसे भी खा सकते हैं, पर मलाई करी की तो बात ही कुछ और है। सब धीरे धीरे तल लीजिएगा। सारे तल चुके हैं मेरे। अब इसमें आपको बता देते हैं, तेज पत्ता पड़ेगा, इलायची, लौंग, दालचीनी और शाहजीरा, और पीसे मसाले में वो किसा हुआ प्याज रहेगा, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का एक साथ पेस्ट बना लेंगे, फिर नारियल का दूध और किसा हुआ नारियल, वो जो मैंने निकाल के रखा था वही। अब सूखे मसाले में कुछ भी नहीं, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, यही सब। अब उसी तेल में जिसमें हमने प्रॉन को तला था उसी में डाल देंगे। उसमें टेस्ट और ज़्यादा आएगा, जम के आएगा। और उसमें तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी सब डाल दिए, साथ में शाहजीरा भी डाल देंगे। ले लीजिए, गया। हाँ, थोड़ा सा भूनने के बाद ये प्याज, किसा हुआ प्याज डाल दिए। अच्छी तरह से चलाएंगे। अब इसमें टमाटर का पेस्ट, टमाटर, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिए और अच्छी तरह से इसे चलाएंगे। हाँ, अब सूखे मसाले, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, बस अब इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। अच्छे से तल जाए, इसका तेल निकल आए, ऐसे चलाना है। ये देखिए कितने अच्छे से निकल आया। बस उसमें पानी डाल दीजिए, खोल आने का वेट कीजिए। बस उसमें नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा शक्कर। फिर तले हुए प्रॉन्स गए तरी में। वाह, क्या खुशबू है, वाह।
अब इसमें नारियल का दूध डाल देंगे। क्या स्वाद है इसका, इसकी खुशबू से पूरा किचन महकने लगा। अब ऊपर से किसा हुआ नारियल, बस गार्निशिंग के लिए, और स्वाद भी लाजवाब बन जाती है। दोस्तों आप लोग साथ ट्राई कीजिए, कैसा लगता है बताइए कमेंट्स में, और मेरे लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।